नमस्कार दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है, यानी जितनी भी समिट्स और फोरम्स होंगे दुनिया के टॉप 20 देशों के बीच उन्हें इंडिया के द्वारा होस्ट कराया जाएगा। मेन समिट है यहाँ पर वो 9th और 10th सितंबर को होगी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स आएंगे यानी प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक सवाल यहाँ आपके मन में आता होगा, ये G20 होता क्या है, ये ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है, इसे बनाने के पीछे क्या मकसद था, क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग जगह पर मिलते रहते हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया हैज फॉर्मली टेकन ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ द G20। ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। इंडिया इज रेडीइंग इटसेल्फ टू होस्ट द मेगा इवेंट। दोस्तों, G20 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा G7 को, क्योंकि G7 G20 से पहले बना था। बात है अर्ली 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत काफी खराब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया, उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी ये, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये वेस्टर्न देश मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर बहुत ज्यादा रिलाय करते थे और इसकी वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली इन देशों में। 11 अरब कंट्रीज कट ऑफ ऑल ऑयल शिपमेंट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। वी आर हेडिंग टुवर्ड द मोस्ट एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ एनर्जी सिंस वर्ल्ड वॉर टू। इनकी सरकारों ने डिसाइड किया, अगर इस इकोनॉमिक हालत को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक्शन लेने की जरूरत है। इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में। अर्ली 1973 की बात है, अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। दो साल बाद ये इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और ये G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये सातों देश अपने समय के सबसे डेवलप्ड देशों में से थे। इनकी इकोनॉमीज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से थी, लेकिन इसके अलावा भी कई कॉमन चीजें थी इनके बीच में। इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसीज थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज को प्रमोट करती थी। पॉलिटिकली कोल्ड वॉर के समय में ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, तो आइडियोलॉजिकली भी सेम कह सकते हो, और इकोनॉमिकली तो ऑफ कोर्स ये सब ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो मेन मकसद इनका यही था, साथ में बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाना। साल 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, G7 G8 बन जाता है। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था, उसके बाद से रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इसी रीजन से ग्रुप आज के दिन भी G7 है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही हुई थी। साल 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इस समय एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई। ग्लोबल मार्केट्स वरीड दैट अदर एशियन कंट्रीज माइट हैव सिमिलर हिडन फ्लॉज। इसके पीछे क्या कारण था उसकी बात मैं नहीं करूंगा, टॉपिक से ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी अफेक्ट हुए। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो दंगे भी देखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही कारण था कि रशिया को G7 में इंक्लूड किया गया इस समय पर। लेकिन G7 के और मेंबर्स ने यह भी रियलाइज किया कि दुनिया समय के साथ साथ और इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। इसलिए अगर पूरी दुनिया में हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और भारी रिसेशंस को होने से रोकना है तो हमें दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके साथ भी साथ में बैठकर एक्शन प्लान्स बनाने होंगे। तो 26 सितंबर साल 1999 G7 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना करी जाती है। वैसे यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको मेरे वीडियोस में नहीं समझ आता है तो ChatGPT का इस्तेमाल करके देखो, बहुत मदद मिलेगी। मैं रोज ChatGPT का इस्तेमाल करता हूँ और सच में ये आपकी एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। अपने काम के अलग अलग एस्पेक्ट्स में मैंने अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को एक जबरदस्त तरीके से बूस्ट किया है
चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, और इन्हीं अनोखे तरीकों और यूज केसेस को आपको समझाने के लिए मैंने एक 4.5 घंटे का कोर्स भी बनाया है चैट जीपीटी पर, पूरा हिंदी में। जिन लोगों ने इस कोर्स को लिया उन्हें बहुत यूजफुल लगा है, स्क्रीन पर रिव्यूज देख सकते हो। और जो लोग अपनी जिंदगी में अभी तक भी AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्या मिस आउट कर रहे हैं। लेकिन आपके पास अभी भी चांस है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एक स्पेशल ऑफर है। इस कोर्स पर आपको 40% ऑफ मिलेगा, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए G40। आप में से पहले 400 लोगों के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब G20 पर वापस आते हैं। इस ग्रुप में डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड कर लेती है, लेकिन सवाल ये कि इस G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो G7 के मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ी पावर्स कौन सी हैं, क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इसी रीजन से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मेक्सिको, ओशनिया के रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से सऊदी अरेबिया और टर्की, और यूरोप में G7 के देशों के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसिडर कर लिया जाता है। तो आज के दिन G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि ये 20 देश दुनिया के टॉप 20 देशों में से हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बल्कि मिलिट्री वाइज या पॉपुलेशन वाइज भी देखो तो। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्योंकि G20 को बनाने के पीछे असली मकसद सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था, तो ये G20 ग्रुप की मीटिंग सिर्फ इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच में होती थी। कई सालों तक ऐसे ही होते रहा, जब तक साल 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ गई। The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. तब इन देशों ने रियलाइज किया कि हमें और सीरियसली मीटिंग करनी चाहिए। सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ही नहीं, बल्कि हमारे देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को भी मिलना चाहिए। हम सब देशों के बीच में कोऑपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर होनी चाहिए अगर हमें ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना हो तो। इसलिए दोस्तों, पहली G20 लीडर्स की जो ऑफिशियल समिट होती है वो 2008 में ही होती है। ये पहली समिट अमेरिका में बिठाई गई थी, जिसमें सारे देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपने बीच के ट्रेड बैरियर्स नीचे घटा देंगे, स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, इन टोटल $4 trillion ये खर्च करेंगे ताकि सभी की इकोनॉमीज को रिवाइव किया जा सके। टोटल में ये G20 के सारे देश मिलाकर ग्लोबल GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड इन देशों में होती है और 2/3 से ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। साल 2008 के बाद से हर साल G20 की समिट हुई है और हर साल ये अलग अलग देशों में होती है। इन G20 मीटिंग्स में जो एजेंडा बिठाया जा रहा है और जो काम हो रहा है उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोइका में 3 देश साथ में मिलकर काम करते हैं, करंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले साल का G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल का G20 प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20 की समिट, इस साल इंडिया में और 2024 में ब्राजील में होगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ट्रोइका कंट्रीज हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। जो 20 मेंबर्स हैं G20 के, हर साल एक अलग मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मीडिया में सुनकर आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सरकार की कि G20 इस साल इंडिया में आ गया है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इस साल नहीं तो अगले साल इंडिया में G20 की समिट होनी ही थी। अगर आप लिस्ट देखो 2008 की पहली समिट से लेकर, तो ये 18th G20 समिट है। सिर्फ अमेरिका ऐसा देश है जहां पर 2 बार ये समिट होस्ट करी गई है, 2008 और 2009 में। उसके पीछे कारण हो सकता है कि जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो अमेरिका में ही शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से हर देश को एक एक करके बारी मिली है। 2009 से अगर आप देखना शुरू करो, UK, फिर कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, 2012 में मेक्सिको, 2013 में रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया। सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे हैं G20 के जहां पर कोई G20 समिट नहीं हुई है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, और इसीलिए अगले साल ब्राजील में होगी, 2024 में और 2025 में साउथ अफ्रीका में होगी।
उसके बाद ये ऑर्डर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा 2026 में यूएसए से। अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो अगली G20 समिट इंडिया में 2042 के अराउंड होगी। अब इन 20 देशों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है G20 समिट्स में, जैसे कि स्पेन के पास तो परमानेंट इन्विटेशन है इन समिट्स का। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज भी बाकी देशों को इन्वाइट कर सकती है। तो इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इन्वाइट किया है, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान। और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और बड़े इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, IMF और एशियान की चेयर कंट्रीज। इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि हालांकि G20 का मेन पर्पस अभी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करना है, लेकिन ओवर द ईयर्स ये कई और मेजर इश्यूज को एड्रेस करने लगा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। लेकिन बाकी और इश्यूज को एड्रेस करने में प्रॉब्लम्स ये आई हैं कि ये 20 बड़े देश, इन सब देशों की अपनी फॉरेन पॉलिसीज हैं, अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपने एजेंडा है, और किसी भी इशू को लेकर ये सारे 20 के 20 देश एग्री कर पाए ये बहुत मुश्किल होता है। यही कारण कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नई दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, और इसी रीजन से G20 की एक टूरिज्म मीटिंग जो कुछ महीने पहले श्रीनगर में हुई थी उसे चाइना और सऊदी अरेबिया ने बॉयकॉट किया था। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी है जब से रशिया ने यूक्रेन देश को इन्वेड किया है। इससे आपको पता चलता है कि मीटिंग्स में लिए जाने वाले फैसले इंडिविजुअल लीडर्स पर भी कितना डिपेंड करते हैं। 2016 की फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया था। The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बने तो इसके बाद ही इसे साइन किया गया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी इन 20 देशों के बीच में कंसेंसस बनाना आसान नहीं है। इस साल के G20 में इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट करी है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसी चीजों को महत्व दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस रखा गया है। अब आप सोचोगे कि इन सारे इश्यूज को डिस्कस करने का टाइम कहां पर है, G20 की मीटिंग तो सिर्फ 2-3 दिन तक चलनी है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि G20 की जो मेन समिट है सिर्फ वही 2 दिन चलती है, जिसे समिट ऑफ स्टेट लीडर्स कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और समिट्स होती हैं G20 में, जैसे कि मिनिस्टर लेवल समिट्स, जहां पर इन 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स साथ में मीटिंग करते हैं, या फिर हेल्थ मिनिस्टर्स या एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स साथ में मीटिंग करते हैं। इस ग्राफिक में आप देख सकते हो कि 22 जुलाई को एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 21 जुलाई को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 26 अगस्त को कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। और इन सब मीटिंग्स की लोकेशंस भी अलग अलग हैं, जैसे कि कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग वाराणसी में हुई थी, एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में हुई थी, और लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग इंदौर में हुई थी। और मिनिस्टर्स के अलावा अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स भी बने हुए हैं G20 में, जैसे कि B20 बिजनेस ग्रुप्स की मीटिंग के लिए, C20 सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स के लिए, W20 वुमेन्स के लिए, Y20 यूथ 20 मीटिंग के लिए, और T20 भी क्रिकेट वाला नहीं थिंक टैंक्स की मीटिंग के लिए। इन 20 देशों के थिंक टैंक्स एक दूसरे से मिले। इसके अलावा 3-6 सितंबर के बीच में एक शेरपा मीटिंग भी हुई। शेरपा वैसे नेपाल में रहने वाले नोमैडिक ट्राइब के लोगों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शेरपा का मीनिंग है हर एक G20 लीडर का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसे शेरपा कहा गया है। मतलब हर एक देश के लिए एक इंसान मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जो अपने देश की बात आगे रखेगा। तो मेन मीटिंग से पहले यहाँ इन शेरपास की भी मीटिंग होती है। बहुत कुछ है यहाँ जानने को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा अब G20 और G7 के बारे में। ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाला वीडियो देख सकते हो, अमेरिका और रशिया के बीच में जियोपॉलिटिक्स और इतिहास को बेहतर समझने के लिए। बड़ा ही दिलचस्प वीडियो है। कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।